फ्रेंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रीति मेकअप। सो गाइस, आज मैं फाइनली आप लोगों की रिक्वेस्ट लेकर आ गई हूँ। मैं आप लोगों को बता दूँ कि जब मैं छोटी थी तब मैं भी वही 10 रुपए वाली लिपस्टिक लगाती थी, जिसकी रिक्वेस्ट आप लोगों ने की है। जी हाँ, और अभी आप मेरी लिप्स देख सकते हैं, पहले से बहुत ठीक हो चुके हैं, बट अभी मैं उतना ध्यान नहीं दे पाती हूँ। अगर मैं हमेशा ध्यान दूँ तो ये और पिंक हो जाए, बट ध्यान नहीं देती हूँ ना, तो बस वही वाला होता है। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ DIY शेयर करने जा रही हूँ वो है जिनके ब्लैक होट हो गए हैं और लिपस्टिक लगा लगा कर अक्षर हो जाते हैं, और 10 रुपीज़ वाली लगाओ तो उससे तो और ही हो जाते हैं। और उसके बाद मैं इन सबसे निजात दिलाने के लिए लेकर आई, आप इसको बस अपनाइए और आपके जो होंठ है फिर से गुलाबी गुलाबी हो जाएंगे, और गुलाबी है तो और गुलाबी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम से, कहते नहीं कि गुलाब की पंखुड़ी हो जाएंगे, वैसा कुछ नहीं है, बट हाँ पहले से ठीक ठाक हो जाएंगे और पिंक भी हो जाएंगे। जो ब्लैक है वो हट जाएंगे, जो ब्लैक ब्लैक से दिखते हैं ना उनको रिकवर कर देगा। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है चीनी, चीनी को हमने दरदरा पीस लिया है, और इसके बाद मैं ले रही हूँ वॉ साइंस का एलोवेरा जेल, जो बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये 99% प्योर है। तो चलो इसको हम इस एलोवेरा को, जो हमारी चीनी है ये देखिए, इस चीनी में हम ऐड कर देते हैं इस तरीके से, और आप देख सकते हैं इसमें कोई भी कलर नहीं है जैसा ग्रीन ग्रीन सा दिखे, तो बिल्कुल नेचुरल है, ये प्योर है। इसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, देखिए। और एक ब्रश ले लेना है आपको, जो बच्चों वाला ब्रश होता है, सॉफ्ट ब्रश, चाहे बड़ों का चाहे बच्चों का, बट बच्चों का ब्रश जो है ना वो ज़्यादा सॉफ्ट आता है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। तो ये कुछ इस टाइप का हो गया, थोड़ा सा अजीब दिखेगा बट काफ़ी हेल्पफुल है। क्या करना है, ये ब्रश लेना है, इसमें इसको इस तरीके से आप देख सकते हो डिप करना है, ये देखो इस तरीके से इसकी एक लेयर बनेगी, अच्छे से लेना है, ये देखो ये इस तरीके से हमने ले लिया। और अपने लिप्स पर स्क्रब करना इस तरीके से, पे ब्रश की हेल्प से अच्छे से मैं स्क्रब कर रही हूँ, जैसे आप अपने फेस पे करते हो सेम लिप्स पर करना है, क्योंकि जितनी भी डेड स्किन हो जाती है हमारी, हम उतने अच्छे से लिप की केयर नहीं कर पाते लिप्स की, तो इसलिए ये स्क्रब का काम करेगा और जितनी भी डेड स्किन है वो निकल जाएंगी। और ये DIY जब आप स्टार्ट करोगे तो इसको आपको हफ्ते में 2 बार करना है, फिर कुछ दिन के बाद हफ्ते में 2-2 बार करना है, 2 बार हफ्ते में, उसके बाद आपको 15-15 दिन में करना है, ठीक है। और इसके बाद नॉर्मल पानी से अपने लिप्स को धुल लेना है। तो चलो फटाफट से हम भी अपने लिप्स को नॉर्मल पानी से धुल लेते हैं, और यहाँ पे मैंने स्पीड बढ़ा रखी है, तो आप ये मत समझिएगा काफ़ी स्पीड है, आराम से करना है वरना आपके जो लिप्स हैं वो कट जाएंगे, ठीक है। सो ये देखिए, अभी हम कुल्ला कर आए हैं, क्योंकि अगर आप कुछ लिप्स पर लगाते हो ना तो फिर अजीब अजीब सा दिखता है, इसी वजह से। तो हमने यहाँ पर ये देखिए अच्छे से इसको स्क्रब कर लिया है अपने होंठ को हम, तो बस आप देख सकते हो स्क्रब करने से कितना ज़्यादा फर्क है। और ये जो काले घेरे दिख रहे हैं आपको, ये देखिए, ये हमारे होंठ जो है ना ऐसे होते हैं और लिपस्टिक लगाने की वजह से कुछ ऐसे हो जाते हैं। पहले तो मेरे बहुत ज़्यादा डार्क हो गए थे, लेकिन फिर मैंने इनको ठीक कर लिया, आप देख सकते हैं काफ़ी हल्के हो चुके हैं, लाइट हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गए थे। तो मुझे कमेंट भी आने लगे इस टॉपिक पे, तो मैंने कहा चलो, वैसे भी मुझे शेयर करना था बट कमेंट आने लगे तो मैंने कहा चलो कर ही देते हैं। और इसके बाद आपको क्या लेना है, वैसलीन आपके घर में इसलिए मिल जाती है, तो ठंडियों में सभी यूज करते हैं, तो आप वैसलीन ले लो, अगर आपके पास वैसलीन नहीं है तो आप मलाई ले लो, और मलाई मैं हमेशा यूज़ करती हूँ इसलिए मैं मलाई ले रही हूँ। और मैं इसको एक कंटेनर में करके रख देती हूँ 1 हफ्ते के लिए, और रात में नाइट में यानी कि सोते समय मैं लगा लेती हूँ। और सिर्फ मलाई नहीं लगाना, अभी मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर मैंने इतनी सी मलाई ले ली है, और ये चुकंदर, चुकंदर का रस इस टाइम मैं पी रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, वीकनेस बहुत आ गई है, तो आराम से पीने के काम भी आ जाता है और लगाने के भी काम आ जाता है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से मैं चुकंदर में मलाई को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, थोड़ा सा अजीब दिखेगा बट कहते नहीं कि जो चीज़ अजीब दिखती है, जो खाने में अच्छी नहीं होती है वो सेहत के लिए अच्छी होती है, और जो खाने में टेस्टी होती है वो सेहत के लिए नहीं अच्छी होती है। तो वही हाल इन सब चीज़ों का है, कि जो देखने में चीज़ें अच्छी होती हैं, सुगंधदार, महकदार, वो उतनी यूज़फुल नहीं होती है। तो हम इसमें चुकंदर को पूरा ही डाल देंगे, क्योंकि ये फ्रीज में जब आप रखोगे ना तो ये आराम से जम जाता है, थोड़ा सा उतना ज़्यादा इसमें लिक्विड नहीं रहता, तो आप देख सकते हो इसकी क्वांटिटी कुछ ऐसी बनी हुई है, और जब मैं इसको फ्रीज में रखूँगी ना तो ये जम जाएगा। तो 1 हफ्ते मैं इसको यूज कर लेती हूँ और बस, और मैं अभी इसको लिप्स पर यहाँ नीचे रख कर ये कर लेती हूँ।
सिंपल सी DIY है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप ट्राई करोगे ना, आपको लगेगा यार कुछ फ़र्क तो नहीं नज़र आया ना। लोगों को कई बार बताया कि ऐसा नहीं होता ना कि एकदम से मतलब चेंज हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। आप इसको महीने भर यूज़ करो, आपको काफ़ी डिफरेंट दिखेगा। एक फ़ोटो पहले की रख लो, एक फ़ोटो महीने भर के बाद ही क्लिक करना, तब आपको फ़र्क समझ में आएगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई भी कमी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।